हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन वाले कुछ और वीडियो करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें एक डाइपोल है। डाइपोल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा और जो फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अभी कैसे फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये जो फील्ड है यहाँ पर लग रहा है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? तो यूनिफॉर्म फील्ड वह फील्ड होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब मैं कहीं भी जाऊंगा तो जो फील्ड की वैल्यू है वो हर जगह मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में सेम मिलेगी। ऐसी फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल को रखूँगा तो डाइपोल पे क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अब देखो फील्ड लाइनें जो होती हैं वो प्लस से निकलती हैं। इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तब जो फील्ड लाइनें होती हैं वो प्लस से माइनस ऐसे जा रही होंगी। देखो ये फील्ड लाइन है, प्लस से माइनस ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो इस पे जो प्लस वाली जो फील्ड है वो इस प्लस वाले चार्ज पे वो जो है फोर्स इधर लगाएगी, और जो माइनस वाला है वो उसको इधर फोर्स लगाएगी, अट्रैक्ट होगी, क्योंकि फील्ड लाइनें प्लस से निकलती हैं ये वाली चीज़। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर जब देखूँगा तो इस पे अलग अलग जो फोर्स है अलग अलग एरो से तुम्हें दिखाया गया होगा, ये समझ में आ रहा होगा। इसकी वजह से जो ये जो डाइपोल है वो ऐसे अभी ऐसे घूमेगा, तो ये वाला एंड ऐसे आएगा और ये एंड ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो एक कपल क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कि अबाउट टॉर्क जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से ये रोटेट करेगा। लेकिन जैसे ही डाइपोल यहाँ आएगा इस पॉइंट पर रुक नहीं पाएगा यार। ठीक है, इनर्शिया की वजह से यहाँ आ जाएगा और उसके बाद सेंस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये डाइपोल यूँ ऐसे घूमता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक उसकी एनर्जी बर्बाद नहीं हो जाएगी। एक बार आपको मतलब दिखाते हैं एनिमेशन, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फील आएगा। तो ये डाइपोल कुछ यूं घूमेगा, देखो ऐसे कुछ घूमेगा, ऐसे जो डाइपोल है वो रोटेट करेगा इस फील्ड में। देखो प्लस माइनस चार्ज लेके हमेशा डाइपोल जो है वो ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट करता रहेगा। और इस सेंस ऑफ रोटेशन की वजह से अगर आप देखोगे तो ये रोटेट क्यों कर रहा है, इसकी टॉर्क की ही वैल्यू हम लोग को निकालनी है। समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले ये देखो कि जो ये प्लस क्यू है इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स F1, उसकी वैल्यू क्यू ही होगी इधर। और ये जो फोर्स F2 लगेगा, F2 जो कि फील्ड लगाएगी इस प्लस वाले चार्ज पे, वो इधर डायरेक्शन उसकी भी वैल्यू क्यू ही होगी मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मैं वेक्टर में काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट है, वो इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि चार्ज का दोनों यहाँ पे जो चार्ज लिया गया है वो सेम मैग्नीट्यूड का लिया गया है और इनका मास भी सेम है। तो सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे आएगा। और अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये एल है, ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस एल है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, समझ में आया। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? ठीक है, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। टॉर्क जीरो हो भी नहीं सक हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, और वो हम बाद में निकाल के देखेंगे। और दूसरी बात, जब नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास से डाइपोल का कहीं मूव भी नहीं कर सकता। दोनों मास जहाँ पे सिचुएटेड होंगे लगभग, इन दोनों का मास जहाँ कंसंट्रेटेड होगा उसका सेंटर ऑफ मास तो चल ही नहीं सकता। तो चलो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, याद करो 11th में अगर मेरा लेक्चर वगैरह अभी देखे होगे तो मैं सिंपलेस्ट टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका ही बताया था। टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वह फोर्स जिसका टॉर्क निकाला जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन पर फोर्स लग रहा है उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस लाइन पर फोर्स लग रहा है वो ये वाला लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पहले वाले फोर्स का देखोगे तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसी लाइन पर फोर्स लग रहा है।
और सेंटर ऑफ मास इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई वन, ये मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई वन बोल देता हूँ। तो अगर मैं पहले वाले जो जो प्लस चार्ज है उस पे टॉर्क निकालता हूँ, टॉर्क ऑन प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे टॉर्क निकालोगे तो टाउ वन उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई वन, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज टॉर्क मैं प्लस ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एफ वन वाई, ठीक है। अब टॉर्क ऑन माइनस क्यू, माइनस क्यू पे टॉर्क टाउ टू लगेगा, टॉर्क कैसे निकालते हैं, माइनस क्यू वाले का लाइन ऑफ एक्शन ही है, समझ रहे हो, और इससे परपेंड सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ मुझे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई टू मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, यानी तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म देखो, इलेवंथ में पढ़े हुए, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ से ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को क्लॉक वाइज ही घुमा रहे हैं, तो फोर्स एफ टू, फोर्स एफ टू और मल्टीप्लाइड वाइज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई टू, तो ये भी प्लस है तो ये एफ टू वाई, तो नेट टॉर्क जो है देख रहे हैं यहाँ पर एफ वन बराबर है एफ टू के और ये सारे बराबर है क्यू ई के, तो नेट टाउ इन सिस्टम पे नेट टाउ ऑन द डाइपोल द टॉर्क इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, तो टाउ वन प्लस टाउ टू इसका मतलब ये हुआ क्यू ई वाई वन प्लस क्यू ई वाई टू, समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ एफ वन वाई वन प्लस एफ टू वाई टू हो जाएगा, ये वाई वन है तो दोनों से यहाँ से क्यू ई कॉमन हो जाएगा, और वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू क्या है, अब वाई वन प्लस आई टू को डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिख रहा हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है, तुम देखोगे अगर डाइपोल ऐसे है, ये प्लस क्यू है यहाँ पे और ये माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो ये जो वर्टिकल वाली ये वाई वाई वन प्लस वाई टू का सम आया, ये वाला डिस्टेंस वाई वन प्लस वाई टू का सम है, इसको मैं कुछ आई एच बोल दूँ, तो अगर ये थीटा है और ये एल है और ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी एल साइन थीटा, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम साइन थीटा लगा दो तो ये आ जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाइड बाई एल, एल क्या है, डाइपोल के जो प्लस और माइनस चार्ज है वो डाइपोल के बीच का जो लेंथ है। अब एक पढ़े हो कि डाइपोल मोमेंट पी, तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई एल चार्ज और उनके बीच के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा पी ई, क्योंकि यहाँ से ई साइड में ले लो और क्यू एल की वैल्यू पी आ जाएगी, तो दिस इज द नेट टाउ ऑन द यहाँ से एल के, हाँ यहाँ से तुम देखोगे ये वाली जो है, एक मिनट यहाँ पे लिटिल बिट, ये वाली जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी, ध्यान देना यहाँ से थोड़ा बहुत, यहाँ से आ जाएगा क्यू ई और वाई वन प्लस वाई टू का जो सम है वो एच है और ये आ जाएगा क्यू ई साइन थीटा और एल से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है, तो ये जो पी ई साइन थीटा है यही हमारा क्या है नेट टॉर्क ऑन डाइपोल कर रहा है, जो कि यहाँ पर क्लॉक वाइज इसको रोटेट कराएगा, तो ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो बच्चों क्लॉक वाइज होगा, ठीक है ना, तो ये अब ये टॉर्क जीरो नहीं है यार, क्योंकि थीटा जीरो नहीं है, देखो अब दूसरी तरीका से ऐसे कर सकते हो, सेकेंड मेथड से ऐसे कर सकते हो कि अगर कपल है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कपल है, तो टॉर्क जब हम निकालते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द कपल, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है और ये थीटा है एल है, तो ये फोर्स की वैल्यू एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, तो एफ एल साइन थीटा और एफ की वैल्यू यहाँ क्यू ई साइन थीटा और यहाँ क्यू एल आ गया, तो क्यू और एल ये जाएगा पी ई साइन थीटा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली परेशानी वाली बात
नहीं है। तो अगर हम देखोगे तो कुल मिला के ये जो टॉर्क लग रहा हो वो अभी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन जैसे ही डाइपोल क्लॉकवाइज घूम जाएगा ये जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज में लगने लगेगा, क्योंकि डाइपोल को हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रहना है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वो आ जाएगा पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई का क्या मतलब है, तो जिधर टाउ की डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, टाउ भी, जिधर टाउ की डायरेक्शन होगी उधर ही सेंस ऑफ रोटेशन होगा। तो जब जब ऐसे होगा डाइपोल मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ रुक नहीं पाएगा, फिर डाइपोल टॉर्क अपनी डायरेक्शन बदल लेगा और फिर इसको क्लॉकवाइज और ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक घुमाएगा। तो टॉर्क देखो जीरो नहीं आया, जबकि फोर्स क्या था, नेट फोर्स जीरो था। तो अभी इसमें एक स्पेशल केस है, अगर परपेंडिकुलर मैं रखूँ, फील्ड के परपेंडिकुलर रखूँ, तो इस प्लस वाले पे जो फोर्स आएगा वो तो इधर की डायरेक्शन आएगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी क्यू, और यहाँ पर ये माइनस वाले हैं वो फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, उसकी भी वैल्यू होगी क्यू। तो एक बॉडी पर, ठीक है, एक बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, और यहाँ पे थीटा 90 है, तो थीटा 90 है तो यहाँ पे टाउ जो है वो मैक्सिमम लगेगा, दैट इज पी साइन 90, देख रहे हो, दैट इज द पीई की वैल्यू। तो टाउ टाउ इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम लग रहा, नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि फोर्स तो हमेशा इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स हमेशा इक्वल अनुपात लगेगा, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये डाइपोल सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे घूमेगा। फिर जब ये डाइपोल यहाँ आएगा, ठीक है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा और फिर ये डाइपोल आगे निकल जाएगा, तो जो ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो डाइपोल टॉर्क अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। तो ये टॉर्क अब ऐसे, कुल मिला के ये डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है, डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव है, ऐसे देखो पी वेक्टर ऐसे है, तो ये वाली चीज़। दूसरी बात, अगर तुम देखोगे अगर थीटा जीरो हो, जीरो हो तो उस केस में क्या होगा भाई, इस वाले पे माइनस वाले पे फील्ड की वजह से अट्रैक्शन होगा, फोर्स क्यू ई इधर लगेगा, प्लस वाले पे फील्ड इधर लगेगा क्यू ई, ये वाली चीज़। तो ये जो क्यू ई है ये कौन लगा रहा है फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है प्लस वाले चार्ज पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो होगा, बट टाउ के बारे में क्या कहोगे, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होती है, तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव है, पी वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 0 डिग्री, थीटा आ गया 0, तो टाउ इस केस में मैग्नीट्यूड में मिनिमम आएगा, जिसकी वैल्यू होगी पीई साइन 0, पीई साइन 0 मतलब टाउ भी 0 है इस केस में, नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, तो इस केस में डाइपोल रोटेट ही नहीं करेगा, नो रोटेशन, ये रोटेट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, जो डाइपोल रोटेट कर रहा है वो अलग अलग एंगल पे, टाउ अलग अलग है, तो अगर मैं टॉर्क देखूंगा तो वो आएगा पीई साइन थीटा। अब एक अच्छा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चों यूट्यूब पे वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो टॉर्क की वैल्यू कितना है, जीरो। थीटा जीरो कब होगा, अब दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे जो है एंगल बदलता रहेगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू था, ठीक है, और अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो है थीटा, थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इस पे लगने वाले टॉर्क बदलेगा, और उसका जो नेचर ग्राफ है वो साइन का कर्व है, सिनुसाइडल कर्व है। तो या इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर टाउ मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम है यहाँ, तो थीटा पाई बाई टू होगा या 90 डिग्री थीटा हुआ होगा, तो उस केस में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम लग रहा है और उसकी वैल्यू होगी पी, ठीक है। इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर जो टाउ है अगेन क्या हुआ है बोलो, जीरो हुआ है टॉर्क, क्योंकि इस पॉइंट पर जो थीटा हुआ है वो 180 डिग्री हुआ है या पाई हुआ है इस पॉइंट पर, तो थीटा इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था जहाँ से ओरिज मोशन स्टार्ट, ये इस पॉइंट को,
इस पॉइंट को मैं थीटा इज इक्वल टू जीरो था पहले रखा था, तो टॉर्क यहाँ पे क्या था, जीरो है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है, फिर बढ़ के घटेगा साइन का कर्व, फिर जीरो होगा, फिर दूसरी अप ओरिएंटेशन में। ये जो थीटा है यहाँ पे 270 डिग्री है या 2π/3 है यहाँ पर, और यहाँ पे टॉर्क अपोजिट डायरेक्ट क्लॉकवाइज पहले रोटेट कर रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मैक्सिमम माइनस पी आ जाएगा। अगेन यहाँ पर इस पॉइंट पे थीटा कितना हो गया, 360 डिग्री या 2π, तो अगेन जो थीटा इस केस में जो टाउ आ जाएगा अगेन जीरो आ जाएगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये सारा आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना और अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।